आज तुमने फिर से किसी सास बहू सीरियल में किसी वैम को देख लिया। ओह गॉड। अब ये 10 दिन के लिए उस वैम की तरह कपड़े पहनकर बड़ी बड़ी बिंदिया लगाकर लंबे लंबे डायलॉग फरमाएगी। नो डैडी जी, आज मैंने किसी भी सीरियल के किसी भी नई वैम को नहीं देखा, बल्कि जिंदा इंसान देखे है। हमारे इस घर में एक नई फैमिली आई है। मजे की बात तो ये है कि जिंदा इंसान भूतों को नहीं देख पाते। क्या इस घर में एक जिंदा फैमिली रहने के लिए आई है? अरे तो तुम्हारा बेटा, मेरा पोता निडर कहाँ है? उसे पहले उसे ढूंढ कर लाओ। हाँ, उसे ढूंढो। उसे तो पता भी नहीं है कि वो हमारी तरह मर के भूत हो गया है। और अगर किसी इंसान के सामने वो आ गया तो उसको तो पता चल जाएगा ना डैडी। ओह गॉड, ये इंसानों को परेशान करने के चक्कर में मैं अपने बेटी को कैसे भूल सकती हूँ? हे भगवान, इस माँ को ऊपर उठा ले। ऑलरेडी उठाया हुआ तो है। डैडी जी, आप कुछ कीजिए ना। कुछ कीजिए ना। अटेंशन, फौरन ऑपरेशन निडर लॉन्च करो। इस घर का कोना कोना छान डालो और वो जहाँ भी है उसे उठाकर मेरे सामने हाजिर करो। Now go, go, go. You go. I go. You don't go. No, both of you go. Go. Sorry. You both. Go. मैं फिर से कहता हूँ, इस बार ध्यान से सुनना। मेरा नाम निडर है, मेरी मम्मी प्रीतिका, मेरे पापा अमर प्रेम प्यारे सिंह और दादाजी कर्नल प्रीतम सिंह है, और हम सब 6 महीने से इसी घर में रहते हैं। नहीं बेटा, देखो तुमको कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ है, क्योंकि ये घर जो है ना, ये काफी टाइम से खाली पड़ा है। और फिर हमने इस घर को खरीदा, इसे रेनोवेट किया और अब हम इसमें रहते हैं। ये हमारा घर है। कमाल है, लगता है ये तीनों पागल है। मेरे घर को अपना घर कहे जा रही है और मुझसे पूछ रही है मैं कहाँ से आया हूँ। नानी मम्मा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई पागल हो और किसी पागल खाने से गुल होकर यहाँ प्यार हुआ है? हाँ, तभी ये बार बार पागलों की तरह कह रहा है कि घर इसका अपना है और इसकी हर बात पागलों वाली है। नानी मम्मा, हमें जल्दी से यहाँ से वापस वहीं भेज देना चाहिए। श्रिंग रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, जादू कर दे इतना बस, भेज दे इसको वापस। एक बार फिर ट्राई कर। ये लोग कर क्या रहे? लगता है ये तीनों पागल है। मैं मेरे बेड पे जाके सो जाता हूँ। अरे ये तुम्हारा बेड कैसे हुआ? नानी, ये हमने क्या देखा? ये दोनों दीवार में से निकले और फिर तीनों दीवार के अंदर चले गए। हाँ बेटा। मम्मा, ये लोग थे कौन? ये इस बात का जवाब से रानी देवी के पास है। तुम दोनों अभी के अभी परिस्थान जाओ और उनसे पूछ कर आओ। मैं तब तक घर की देखरेख कर लूंगी। जाओ जाओ जाओ। ओके। हाय, मगर मेरे पास तो जादू है नहीं, मैं इस घर की देखरेख भला कैसे करूंगी? लो आ गए। डैडी, निडर को ले आ, चेक कर लीजिए। ओके। फिर से कपड़ा क्यों डाल दिया? आप लोग हमेशा मुझे लाते या ले जाते वक्त सर पे कपड़ा क्यों डाल देते हो? वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ से वहाँ ले जाते वक्त और वहाँ से यहाँ ले आते वक्त तुम्हें पता ना चले हम कैसे लेके जा रहे हैं। जोक जोक। बेटा, हम तुम्हारे सर पे कपड़ा इसलिए डालते हैं ताकि जब तुम ट्रैवल करते हो ना, इधर से उधर जाते हो, पोल्यूशन का असर तुम पर मत पड़े। बच्चों पे पोल्यूशन का असर बहुत जल्दी हो जाता है ना। ओके। दादू, बताया हमारे घर में कुछ पागल लोग घुसा है और वो ये समझते हैं ये हमारा नहीं बल्कि उनका घर है। बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, नो टेंशन, हम उनको भी दूसरे पागलों की तरह इस घर से निकाल देंगे। और सुनो निडर, आज के बाद हम लोगों से पूछे बिना तुम कहीं भी बाहर नहीं जाओगे, समझे? हाँ समझे। अब चुपचाप अंदर जाके एक साफ सुथरी माचिस की तरफ भी मैं घुस के सो जाऊं। बेवकूफ, ये कोई भूत है कि जादू से किसी माचिस की डब्बी में सो जाएगा? इडियट। नो भूत। बेटा, तुम वहां जाके पलंग में सो जाओ और तुम लोग मेरे साथ इधर चलो। ओके। ये लोग हमेशा मुझे कमरे में भेज देते, कभी बाहर जाने नहीं देते। पता लगाना होगा आखिर बात क्या है। देखा अमर,
हूँ। अब तो मुझे डिटेल में रिपोर्ट दो। जब तुम निडर को वहां से लेने गए थे तो सिचुएशन क्या थी एग्जैक्टली? क्या निडर को पता चला कि वो लोग उसे देख नहीं सकते? सिचुएशन तो बहुत नॉर्मल थी। वो तीनों इसको देख रहे थे और ये उन तीनों से बातें भी कर रहे थे। ऑल फाइन, ओके। व्हाट? वो तीनों उसे देख रहे थे? ये कैसे हो सकता है? निडर तो भूत है, वो इंसान भूत को कैसे देख सकते हैं? एग्जैक्टली दादी जी, ये तो हमने सोचा ही नहीं। निडर को ही नहीं, वो तीन लेडीज तो हम दोनों को भी देख रही थी। हाँ, इसलिए शायद वो तीनों लेडीज हमको देख ऐसे चिल्लाई थी। ओह नो, इसका मतलब दाल में जरूर कुछ काला है। अब क्या कह रहे हैं, इसने कोई दाल बनाई नहीं, कोई दाल में काला कैसे होगा? प्रीतिका, मेरा पांव दुख रहा है, अब तुम इस बेवकूफ दुश्मन पर हमला करो। आपका पांव दुख रहा है, मैं दबाऊं? तुमको दबाने के लिए नहीं बोला था। डैडी जी, मिशन कंप्लीटेड। आगे बताइए क्या करना है। मुझे लगता है कि जो लोग इस घर में रहने आए हैं वो इंसान नहीं, कुछ और ही है। हमें इन लोगों के बारे में पूछताछ करनी होगी, पता लगाना होगा। इनका पता कहाँ मिलेगा? तुम लोग यहाँ क्या बात है? रानी देवी, प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज हेल्प अस। क्या हुआ रानी देवी? हमारा जो नया घर है ना, वहाँ पर हमने कुछ लोग देखे जो दीवारों में रहते हैं। हाँ रानी देवी, ये लोग कभी भी किसी भी दीवार में से निकल आते हैं और फिर किसी भी दीवार में घुस जाते हैं। हाँ रानी देवी, उन लोगों को देखकर हम बहुत डर गए, सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकती हैं, प्लीज हेल्प अस। मुझे समझ में आ रहा है क्या चक्कर है। एक मिनट रुको, एक मिनट। हेलो, अरे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, हटो तुम लोग। हेलो, हाँ, परिस्थान पुलिस स्टेशन, कमिश्नर परी से बात करवाइए, मैं रानी देवी बोल रही हूँ। तुम लोग फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हेलो, हाँ कौन, परी बोल रही है, कमिश्नर? हाँ सुनिए, आप एक काम कीजिए, आप धरती पर फौरन जाइए, हाँ, और सुषमा नाम की वो परी है ना, उनको फौरन अरेस्ट कर यहाँ मेरे सामने लेकर आइए। नहीं 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 नहीं, नानी ने कुछ नहीं किया है। अरे तुम उसे नहीं जानती, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कब चुटकी बजाती है ना पता भी नहीं चलता है। नहीं लेकिन रानी देवी, आज तो नानी के पास अपने मैजिकल पावर्स भी नहीं है। क्यों रानी देवी, आप भूल गई, आपने कल ही तो मम्मा को पनिश किया था कि एक दिन के लिए उनके मैजिकल पावर्स उनके पास नहीं होंगे। अच्छा अच्छा, हेलो परी कमिश्नर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हाँ आप लोग सो जाओ। इसका मतलब मुझे मैजिक कैमरा भेजकर पता करना पड़ेगा तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। सुनो, तुम धरती पर जाओ और सुषमा जी के यहाँ जाओ और जाके वहां पे देखो क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है, मुझे सारी रिपोर्ट ला के दो, जाओ। घबराने की कोई बात नहीं बच्चों, सब ठीक हो जाएगा। नानी, पापा, आप? आपको आपका जादू वापस मिल गया? हाँ बेटा, और मैं अपने जादू से फौरन यहाँ चली आई। सुषमा, रानी देवी प्रणाम। जीती रहो। वैसे रानी देवी, पता चला हमारे घर में क्या गड़बड़ हो रही है? अभी मेरा जादुई कैमरा आ रहा है, उससे पता चल जाएगा क्या हो रहा है। क्या हुआ रानी देवी, क्या दिखाई दे रहा है? क्या हुआ? कुछ डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आपको क्या दिखाई दे रानी देवी? घबराने की जरूरत नहीं, दिल थाम के बैठो। सुषमा, तेरे घर में चार भूत है। चार भूत? क्या? वो रूम में। हट जाओ, तुम दोनों दूर हट जाओ और मुझे पूछने दो। निडर, डरो मत, अपने नाम की तरह जरा निडर हो जाओ और बताओ तुम घबरा क्यों रहे हो? दादू, मैंने चुड़ैल को देखा। क्या? मैंने चुड़ैल को देखा, वो औरत जो हमारे घर में आई है ना, वो चुड़ैल है, उसे जादू करना आता है। वो अपने जादू से शोपीस को हवा में उड़ा रही थी। छिप जाओ, भाग जाओ, छिप जाओ। जादू जादू कर रही थी, उसने तुम दोनों को देखा भी? हाँ। वो जादू कर सकती है और वो भूत को देख भी सकती है, इसका मतलब वो नॉर्मल इंसान नहीं, कुछ और ही है। हमारा क्या होगा?